स्टार्ट। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं कि एक नया लैपटॉप, एक लैपटॉप जो आपको 3D Max में बेसिक वर्क करने के लिए काफी अच्छा लैपटॉप है और इसका प्राइस लगभग ज्यादा नहीं है, कुछ 29,000 के आसपास ये आ जाता है। ठीक है, ये देखिए अभी ये है लिनोवो का लैपटॉप और इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में और भी जानेंगे हम लोग। अगर आपको ये वीडियो में जानना है तो फिर ये वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। ओके, ये देखिए ये मेरा लैपटॉप ओपन हो गया है और यहाँ पर ये लैपटॉप में आप देख सकते हो। ओके, अभी यहाँ पर आप देख सकते हो ये है चार्जर और ये है इसका मैनुअल। ओके, इसको साइड में करता हूँ और इधर पे ये है इसका, ये है चार्जर जो थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, एक मिनट थोड़ा वेट करते हैं। यस, ओके, तो इधर पे आप देख सकते हो और इसका पिन भी इस टाइप का है और ये है इसका मैनुअल। मैनुअल में ये दो टाइप के मैनुअल मिलते हैं। ओके, इसको साइड में कर लेते हैं। ओके डन, इसको साइड में करने के बाद फिर इधर पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पर देख सकते हो इधर पे मिल जाता है हम लोग को CD रूम और इधर पे हम लोग को मिलता है ये दो पोर्ट, USB पोर्ट और HDMI पोर्ट और LAN के लिए एक पोर्ट मिल जाता है और आप लोग इसके अंदर वो लगा सकते हो, मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो आसानी से। एक मिनट, थोड़ा सा और भी अच्छे से देखने के लिए क्लोजअप में, सॉरी। ओके, अभी नज़र आ रहा होगा लगभग। ओके, यहाँ से आप भी देख सकते हो। ओके डन, तो यहाँ पर से आपको क्लियर दिख रहा है और यहाँ पर देख सकते हो पीछे की तरफ भी। और इसको अभी मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पर ओपन करने के बाद यहाँ पर दिखता है कि AMD का प्रोसेसर यहाँ पर लगा हुआ है, AMD का प्रोसेसर है और रैम इसके अंदर लगभग है 8GB रैम और वाईफाई, हाई स्पीड की वाईफाई है। ओके, और काफ़ी हद तक अच्छा है और इसका स्क्रीन साइज है 15.6 इंच का। ओके, इधर पे हम लोग जब ओपन करते हैं फर्स्ट टाइम तो इसके अंदर DOS का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अंदर अभी तक कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाल के मिलता है अगर आप अमेजोन से बाई करते हैं तो। ठीक है, तो इसके अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के नहीं मिलता। आप इसके अंदर स्टार्टिंग में पूछते हैं कि आप डेट डालो, इसके अंदर टाइमिंग डालो, वो सब मैं फिल करने के बाद जब मैं इंटर करता हूँ तो सिर्फ DOS ही ओपन होने वाला है और तो कुछ ओपन होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको विंडोज़ ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए इसके अंदर विंडोज़ डालने के लिए इसके अंदर आपको विंडोज़ को इंस्टॉल करना होगा। तो विंडोज़ इंस्टॉल करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ USB पोर्ट को। USB पोर्ट यानी कि इसके अंदर विंडोज़ को मैंने इंस्टॉल करके रखा हूँ। विंडोज़ को कैसे USB में कैसे डालते हैं, कैसे हम लोग करते हैं, उसका भी मैंने वीडियो बना के रखा है, वो भी आप देख लीजिएगा। ओके, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ओके, तो फिर ये है, इसको मैंने यहाँ पर मैंने इंसर्ट किया। एक मिनट, सॉरी, थोड़ा अच्छे से कर लेता है। ओके, मैं अभी अपने इसको PC को रिस्टार्ट करता हूँ, लैपटॉप को रिस्टार्ट करके फिर इसके अंदर F12 को प्रेस करना है। F12 प्रेस करने से क्या होता है कि हम लोग को बूटिंग डिवाइस का इंफॉर्मेशन देता है, आप कौन से डिवाइस से बूट करना चाहते हो। मेरे को USB से बूट करना है तो नीचे की तरफ आप देख सकते हो, नीचे में ये रहा मेरा सोनी स्टोरेज मीडिया। ओके, USB हार्ड डिस्क। ओके, जब क्लिक करता हूँ तो जैसे कि हम लोग CD डालते हैं विंडोज़ के, वैसे ही हम फंक्शनल होने लगेगा। ओके, तो फिर इसके अंदर अपना वो विंडोज़ वगैरह मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ जैसे नॉर्मल तरीके से इंस्टॉल करते हैं। पूरा इसके अंदर हार्ड डिस्क मिलता है, 1 TB का हार्ड डिस्क मिलता है इसके अंदर। 1 TB का आप समझ सकते हो, 1 TB बोलो तो यानी कि 1000 GB, तो उसके अंदर मैंने 500 GB का तो वो बना दिया अपना सी ड्राइव, बाकी सब मैंने पार्टीशन कर दिया। ओके, पूरा इंस्टॉल करने के बाद फिर भी हम लोग का जो है वाईफाई वगैरह वो सब का भी मुझे ड्राइवर डालना पड़ गया था वाईफाई चलाने के लिए भी। पहले ड्राइवर डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या बोलते हैं अपने लैन के इंटरनेट यूज़ करना पड़ेगा, लैन से आपको इंटरनेट यूज़ करना पड़ेगा। ओके, फिर ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल करने के बाद
सबके सब आपको लिनोवो के सपोर्टिंग वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, वहां पर जाके आप ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो इसको अपडेट करने के लिए, ठीक है। फिर जाके अपडेट विंडोज के जरिए हम लोग और भी चीजें अपडेट कर सकते हैं, इसके ग्राफिक कार्ड अपडेट्स, यानी कि सिर्फ विंडोज को अपडेट कर दो, विंडोज में अपडेट ऑप्शन होता है, जब हम लोग नया नया विंडोज इंस्टॉल करते हैं इसको अपडेट करने के बाद, अपडेट करने के बाद फिर जाके इसके अंदर ये सब ग्राफिक कार्ड के सेटिंग्स वगैरह भी ऐड हो जाते हैं, ठीक है। इधर पे आप देख सकते हो मैंने अपडेट भी कर रहा हूँ, और इधर मेरा ये अपडेट हो जाने के बाद मैं इधर पे एक बैच रेंडर करने के वाला हूँ, वीरे का बैच रेंडर, यानी कि हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर आउटपुट, यानी कि हम लोग जब वीरे इंस्टॉल करेंगे तो कितना टाइम जाने वाला है रेंडरिंग में, ओके। तो यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, तो पहले तो इसको ओपन होने देते हैं, इधर मैंने बैच के लिए इसको ऑन कर देता हूँ, ओके। फिर इसको कर दिया मिनिमाइज, ये आपको स्क्रीन जो दिख रहा है ये लैपटॉप का स्क्रीन है, लैपटॉप की स्क्रीन पर स्क्रीन रिकॉर्डर के जरिए मैं कर रहा हूँ, इसको मैं रेंडरिंग पे रख दिया हूँ, इधर पे ये हो रहा है, इसको रेंडरिंग होने में काफ़ी टाइम जाने वाला है, जितना टाइम लगेगा आप देख सकते हो इसके अंदर मेरे को 18 मिनट लगा, मैं फटाक से स्किप करके 18 मिनट के अंदर ये पूरा पूरा रेंडर हो गया, यानी सीपीयू जो इसके अंदर है, यानी कि ड्यूल कोर का सीपीयू है, यानी कि ड्यूल कोर का सीपीयू जो भी है इसके अंदर ड्यूल कोर का है, जीपीयू तो वैसे इसके अंदर एएमडी का जीपीयू है, तो इसलिए जाके एएमडी उतना सपोर्ट नहीं किया है जीपीयू के लिए, तो फिर भी जाके आप व्यूपोर्ट कंट्रोल अच्छे से कर सकते हो। तो मैं आपको कुछ और भी सीन दिखाता हूँ आगे कि हम लोग किस तरीके से और भी 3D Max के सीन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इसके अंदर, तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके ओके तो अभी ये मैं 3D Max में एक सीन को ओपन कर लिया हूँ, ये हम लोग को डिफॉल्ट मिल जाता है सीन अपने डिफॉल्ट प्रोजेक्ट फाइल में 3D Max के, तो उसको मैंने ओपन कर लिया हूँ, इसको मैं एक स्केल लाइन में रेंडर करके देखूंगा। इधर पे आप देख सकते हो ग्राफिक कार्ड में, यानी कि मैं रियलिस्टिक में ऑन कर काफ़ी अच्छे से स्मूथली चल रहा था, और इधर पे मैं इसको रेंडर करके देखता हूँ स्केल लाइन रेंडर से कि कितना टाइम जाता है। स्केल लाइन रेंडर से रेंडर करने पर सिर्फ ये जाता है, आप देख सकते हो 3 सेकंड में ये रेंडर हो रहा है, सिर्फ 3 सेकंड में, ओके। इमेज के साइज अगर आप देखना चाहोगे तो इमेज की साइज तो ज़्यादा नहीं है, कुछ 500 बाई कुछ 300 के आसपास है, ओके। और फिर इसको हम लोग ऑन करते हैं वीरे के अंदर रेंडर करने की, देखते हैं कि वीरे के अंदर रेंडर करने में कितना टाइम जाता है। अभी इधर भी देख सकते हो 560 बाई 320 का इमेज साइज है, और इसको रेंडर करने में कितना, वीरे में जब इसी सीन को रेंडर करते हैं तो कितना टाइम जाता है, लाइट कैश में कितना टाइम जाता है, और आप देख सकते हो प्रीपास करने में, लाइट कैश करने में, और फिर फाइनल रेंडर आने में कितना टाइम चले जाता है। तो इसको आप देखोगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगी कितना ये फास्ट है कितना स्लो है, ओके। अभी ये मेरा फाइनल रेंडर हो रहा है, मैं प्रोग्रेसिव रेंडर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, बकेट रेंडर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं वीरे 3.60 यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, जिसके अंदर 60.03 वाला वीरे यूज़ कर रहा हूँ, और 3D Max है 2014, तो उसके अंदर मैं रेंडर कर रहा हूँ। तो फिलहाल आपको पता चल रहा होगा कितना टाइम लग रहा है, कितना सेकंड, अभी लगभग हो गया है 30 सेकेंड्स इसको फाइनल रेंडर आउटपुट आने में, तो अभी 30 सेकेंड, फिर 34, फिर और भी आगे बढ़ रहा है, फिर 35, फिर 36, फिर 37, फिर 39, 40 तक आप देख सकते हो ऐसे इमेज आउटपुट आ जाती है प्रोग्रेसिव में करने से। अब बकेट में मैं ले रहा हूँ, बकेट में अगर मैं रेंडर करता हूँ, मैं इधर पे इसका GI बंद कर देता हूँ, क्योंकि जो GI क्यों बंद कर दिया, क्योंकि GI में हम लोग को लाइट कैच वगैरह वो भी टाइम इंक्लूड होता है, तो इसलिए मैंने GI भी बंद कर दिया। अभी ये आपको जैसा स्क्रीन लाइन में दिख रहा था रेंडर आउटपुट वैसे ही नजर आएगा, क्योंकि स्क्रीन लाइन में GI वगैरह नहीं रहता, ठीक है। तो इसको मैंने बंद कर दिया, अभी आप देख सकते हो कि एक्चुअली हम लोग वीरे और स्क्रीन लाइन रेंडर में कितना आउटपुट में कितना टाइम जाता है, ओके। अभी यहाँ पर देख सकते हो ये लगभग हो गया 19 सेकेंड के अंदर ये पूरा पूरा रेंडर, ठीक है, 19 सेकेंड के अंदर ये पूरा रेंडर हो चुका है, आपको पता चल गया। अभी मैं एक कॉम्प्लेक्स सीन को लेने वाला हूँ, यानी काफ़ी हैवी सीन है, इसको रेंडर करने में कितना टाइम जाएगा, इधर पे आप देख सकते हो इसको लाइट कैच करने में लगभग चले गए थे, लाइट कैच जब मैंने स्टार्ट किया था लगभग इसको लाइट कैच खत्म करने में इसको लग गए थे 4 मिनट के आसपास, ठीक है। फिर इसको प्री पास होने में भी इसको लग गए थे लगभग, फिर फाइनल आउटपुट आने में लगभग लग गए 8 घंटे, यानी कि इतना कॉम्प्लेक्स सीन और इमेज साइज 1400 बाय 900 के आसपास,